हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल्स। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम पढ़ेंगे कि टर्म क्या होती है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 5x, इसमें जो 5 होगा आप सभी जानते हो कि नंबर है, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। और जो x होगा उसको बोलेंगे वेरिएबल। कॉन्स्टेंट प्लस वेरिएबल ये दोनों मिलकर बनते हैं टर्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं पॉलीनोमियल। फर्स्ट मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है, इसके अंदर जो फर्स्ट वन टर्म होगी इसको बोलेंगे हम मोनोमियल। जैसे कि मान लो 2x लिख दिया मैंने या फिर 5x स्क्वायर लिख दिया, ये होते हैं मोनोमियल्स। इसके बाद है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो टर्म होती है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। एग्जांपल 2x प्लस 5 या फिर x स्क्वायर प्लस 2, ये होता है बाइनोमियल्स। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें 3 टर्म्स होती है। एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल। और 3 से ज़्यादा अगर आपकी टर्म होती है तो उसको बोलेंगे हम पॉलीनोमियल्स। पॉली से आप समझ सकते हैं, पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारे, 3 या 3 से ज़्यादा हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं पॉलीनोमियल्स। एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5y, ये सब क्या होते हैं पॉलीनोमियल्स। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलीनोमियल्स क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स और थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। इसको पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि डिग्री क्या होती है। डिग्री बेस क्या होता है, जैसे किसी पॉलीनोमियल्स में, जैसे मान लो मैंने लिखा 2x4 प्लस 3x³ प्लस 2x² एंड सो ऑन, इसके अंदर हाईएस्ट पावर किसकी है 4, दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4। फर्स्ट लीनियर पॉलीनोमियल्स 2x + 5, जिसके अंदर डिग्री 1 होगी उसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलीनोमियल्स। एंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स मीन्स 2x² प्लस 5x प्लस 3, इसमें डिग्री कितनी यहाँ पे 2 है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। क्यूबिक में क्या होगा, जिसकी डिग्री कितनी होगी 3, 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिलेशन ऑफ जीरोस विथ कोएफिशिएंट। हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ जीरोस विथ कोएफिशिएंट। वैसे क्लास 10 में मोस्टली हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म मान लो इसकी लीनियर पॉलीनोमियल्स की होती है हमारी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब पढ़ेंगे हम रिलेशन ऑफ जीरोस विद कोएफिशिएंट। इसका होता है हमारा जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब समझ लो कि बी क्या होता है और ए क्या होता है। मान लो कि बी इसमें क्या हो गया, कॉन्स्टेंट टर्म्स हो गए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए। ए क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये हो गई फॉर्म।
जैसे कि बाद में इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिर बाद में हम इसको इस वाले फॉर्मूले से वेरीफाई भी करेंगे इसको। जैसे कि मान लो आपको दे दिया 2x + 3 = 0। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लीनियर पॉलीनोमियल से क्या होगा, इसकी डिग्री 1 है, तो जिसकी डिग्री 1 होगी तो उसके जीरोस पे कितने होंगे, 1। तो यहाँ पे इसकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x = -3 एंड x = -3/2। ये आ गया आपका जीरोस, x = कितनी आ गया, -3/2। अब इस वाले फॉर्मूले से हम इसको चेक करेंगे कि ये सही या गलत है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया कि माइनस तो एक ही जाएगा और बी मीन्स क्या हो गया, कॉन्स्टेंट टर्म हो गई, तो कॉन्स्टेंट टर्म का कहाँ पर आ गया, ये 3, मतलब यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म जाके 3 आ गई। और कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना, यहाँ पे 2, यहाँ पर आ गया 2, दैट इज वेरीफाइड। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसके जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। अब देखो यहाँ पर इसमें डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2, ऑब्वियसली कितने जीरोस होंगे यहाँ पे, 2। जैसे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, मान लो कि एग्जांपल है हमारा x² - 7x + 12, ये एग्जांपल ले लिया। अब इसी तरह से जैसे मैंने आपको जीरोस निकाला था इस फॉर्मूले से, यहाँ पर भी इसका यही फॉर्मूला होगा, लेकिन इसके 2 जीरोस होंगे। तो फर्स्ट आएगा हमारा सम ऑफ जीरोस और वो होता है हमारा -b/a, और एक दूसरा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और वो होता है हमारा c/a। अब देखो यहाँ पर b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देख लो, यहाँ पे b हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड a क्या होगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x², और यहाँ पे क्या होगा, c/a, और c यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म, और a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x². अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लो कि हमारे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है x² - 7x + 12। अब यहाँ पे इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा बाय स्प्लिटिंग मेथड, जो कि हमने क्लास 9 में पढ़ा होगा। बाय स्प्लिटिंग मेथड हम करेंगे, -7 चाहिए प्लस माइनस में और मल्टीप्लिकेशन में हमको चाहिए 12। तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या निकलेंगे, -3 एंड -4। तो -3x and -4x = -7x एंड मल्टीप्लीकेशन इज -3 and -4 = +12। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x - 3, और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 4 and -4, x - -4 = 12। इन दोनों से कॉमन आ जाएगा x - 3, और यहाँ पे आ जाएगा x - 4। अब यहाँ पे जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो x = 0 रखना पड़ेगा, तो x - 3 = 0, देन x विल बी 3, और यहाँ पर x - 4 = 0, एंड देन x = +4। तो यहाँ पे हमारे दो जीरोस आ गए, 3 एंड 4। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे फ्रॉम दिस फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, -b/a। तो माइनस बी, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और बी कितना है, -7, और सी कितना होगा, +12। अब ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है, -b/a। तो माइनस तो एच टू जाएगा आपका, और बी कितना है यहाँ पे, -7, यहाँ पे रखेंगे -7, और ए कितना है यहाँ पे, 1, तो जो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +7। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है c/a, तो यहाँ पे c कितना है, 12, और ए कितना है, 1, जो कि आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर देखो x³ = 3, यहाँ पे 4 था, दो जीरोस थे, इन दोनों जीरोस का सम का मतलब इन दोनों को एडिशन करेंगे तो 3+4 कितना आ गया, 7, दैट इज वेरीफाइड। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब c/a कितना आ गया, 12, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 12 आएगा, दिस इज वेरीफाइड।
एक और एग्जांपल सब समझ सकते हो, जैसे कि मान लो हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब ऐसे हम सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स। अब यहाँ पर कॉमन कितना आएगा, एक्स एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर कॉमन आएगा टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर कितना आ गया कॉमन, एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस थ्री, और यहाँ पर आ गई एक्स की वैल्यू माइनस टू। तो यहाँ पर दो जीरोस के आगे आ गए माइनस थ्री और माइनस टू। अब ये इससे वेरीफाई कर दो वापस से, तो सम ऑफ जीरोस कितना था, सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, तो वो कितना आ जाएगा आपका माइनस बी, और बी कितना है पे फाइव, और ए कितना है पे वन, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, और सी बाय ए होता है, तो सी बाय ए, सी का कितना यहाँ पे सिक्स है, और सिक्स बाय वन तो सिक्स ही आएगा, ठीक है, वन हटा सकते हैं यहाँ पे। तो अब चेक करो, देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आप जानते हो माइनस थ्री माइनस टू कितना होता है, माइनस फाइव, एंड मल्टीप्लीकेशन इज माइनस माइनस प्लस एंड थ्री टू जा सिक्स, दैट इज वेरीफाइड।